कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। सलमान को जिस प्रकार से लगातार धमकी मिल रही है, उसके पहले भी जो बाबा सिद्दीकी वाला जो वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है क्या, पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना? जैसे कि कैसे निकालती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ, क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है।